हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड एंड सिल्वर ETF एनालिसिस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से गोल्ड और सिल्वर के एनालिसिस करने वाले हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, पहले हम लोग निपोन इंडिया गोल्ड 20 का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद निपोन इंडिया सिल्वर 20 का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, निपोन इंडिया गोल्ड 20 के वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस में कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, गोल्ड 20 का ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग बुलिश है। और दोस्तों, गोल्ड 20 के वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2024 के बिगिनिंग पे प्राइस था 52 रुपीज़ के पास और दोस्तों अभी प्राइस 61 के पास है। और उसी हिसाब से दोस्तों, लास्ट 5 मंथ में गोल्ड 20 का प्राइस अप्रोक्स 18% इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्टिन्यूसली गोल्ड बाय कर रहे हैं और दोस्तों आने वाले समय में US फेड इंटरेस्ट रेट भी कट कर सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले 1-2 साल के लिए गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश रहने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से गोल्ड में बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी फॉलो किया जा सकता है। दोस्तों, गोल्ड 20 के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 63 गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों, गोल्ड 20 के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 60 प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों, गोल्ड के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस अप मूव के बाद गोल्ड में करेक्शन दिख रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में प्राइस 60 के पास सपोर्ट ले सकता है। गोल्ड 20 के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 60 के नीचे 58 और 56 गोल्ड के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इस हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 60 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर देता है तब जो है प्राइस 58 और 56 के लेवल पे भी आ सकता है। समय में अगर प्राइस 58 से 56 के रेंज के पास मिलता है तब जो है गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग आने वाले समय में गोल्ड 20 में कैसा स्ट्रेटेजी डिप्लॉय किया जा सकता है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, गोल्ड 20 के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 60 प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, 60 के पास गोल्ड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिप्लॉय किया जा सकता है। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस नीचे आता है तब जो है 58 और 56 के लेवल पे फिर से एवरेज कर सकते हैं और हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों, गोल्ड 20 के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 63 का लेवल गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर 63 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब जो है गोल्ड 20 में फिर से स्ट्रॉन्ग रैली दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में गोल्ड 20 से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो यह रहा दोस्तों गोल्ड 20 का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग सिल्वर 20 का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, सिल्वर 20 के वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2024 के बिगिनिंग पे सिल्वर 20 का प्राइस था 70 रुपीज़ के पास और दोस्तों, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर 20 88 के पास ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, लास्ट 5 मंथ में सिल्वर 20 ने अप्रोक्स 30% का रिटर्न दिया है। डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी हिसाब से दोस्तों, मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सिल्वर 20 का आउटलुक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। दोस्तों, सिल्वर 20 के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 83 सिल्वर 20 के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों, सिल्वर 20 के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 76 से 78 का जो रेंज है यह सिल्वर 20 के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस रिट्रेस करता है तब जो है
83 के पास प्राइस को फिर से सपोर्ट मिल सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों 83 के पास फ्रेश बाइंग किया जा सकता है। और दोस्तों सिल्वर 20 के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 92 सिल्वर 20 के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 92 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तब जो है सिल्वर 20 में फिर से स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने हायर लेवल पे बाय किया है और आने वाले समय में प्राइस 83 के पास आता है तब जो है आप लोग फिर से एवरेजिंग कर सकते हैं और हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर 83 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तब जो है 76 से 78 का जो रेंज है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों 76 से 78 के लेवल पे फिर से एवरेजिंग कर सकते हैं और हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों सिल्वर 20 का कॉम्प्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज के एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।